भी कहाँ ये शांसे का मेहमान, आया क्यों नहीं अभी तक? क्या हो गया कामरान, देर सवेर हो जाती है, ये हर जगह पे अपने ऑफिस के रूल्स मत अप्लाई किया करो, स्पेशली मेरे घर पे नहीं। ये ऑफिस की बात नहीं है भाई, इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए, ये कोई धोखा है? कब से इंतजार कर रहे हैं उसका? ठीक लग रही हो ना? हाँ हाँ अच्छी लग रही हूँ। चलो आगे। तो तुम देखो ना जाके। कामरान कम ऑन कम ऑन कामरान। सलाम अलैकुम जी। तुम डैड? ये शानी है, शायान अहमद। मैंने कहा था ना आप जानते हैं, शायान डैड से तो आप मिल चुके हो, ये मेरी मॉम है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा, हैव अ सीट। जी मैं एक कॉल करके आया। आप बैठो, जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स। एक्सक्यूज मी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें अपने घर में देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसमें इतनी खुशी की क्या बात है, मैं पहले भी इस घर में आया। इस हैसियत से तो पहली बार आए हो। मैं आज ही पहले की तरह इस घर में अपनी हैसियत भूल कर नहीं आया। इसलिए कि तुम अपनी हैसियत से वाकिफ नहीं हो, तुम क्या हो अभी तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। I can't believe this. कि शानजे इसी लड़के को लाकर हमारे सामने खड़ा कर देगी। अब तो हमारा गेस्ट है ना, मिलना तो होगा। एम्प्लॉय है वो मेरा, अभी चंद महीने पहले शानजे के कहने पे तो उसे जॉब दी है। सिर्फ जॉब नहीं, बेतहाशा इंसेंटिव भी। हाँ। मेरा मजाक उड़ाते थे इंटरोगेशन, अगर तहकीक करते तो उसकी बैक स्टोरी पता चल जाती। मैं तो यही समझा रहा कि शानजे उसे ऑब्लाइज करना चाह रही है या हेल्प करना चाह रही है उसकी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर उसे अकेले बिठाना था तो बुलाया क्यों? हाँ तुम चलो हमारे, कम ऑन कैम। हाँ चलो। अल्लाह के वास्ते एटीट्यूड मत दिखाना उसे। चना नहीं दिखा। चलो चलो। सो सॉरी बेटा, एक्चुअली इनकी कॉल आ गई थी। नहीं जी इट्स ओके। बैठो बैठो। और कैसा चल रहा है काम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कामरान ये यहाँ घर पे हमारे ऑफिस डिस्कस करने नहीं आया। बेटा कौन कौन है आपके घर में? जी अम्मी है, बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। मैं उन सबसे मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं। अम्मी तो आना भी चाह रही थी आपके। तो आप ले आते ना साथ, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाती। तुम्हारे वालिद नहीं है? नहीं जी उनकी डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटा था। क्या करते क्या थे वो? डैड जो इस दुनिया में नहीं उनके बारे में जान के आप क्या करेंगे? मैं तो यूं ही पूछ रहा था बेटा। जी वो क्लर्क थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। शानी तो बहुत इंटेलिजेंट है और सीवी तो आपने देखी है ना? हाँ सीवी तो देखी है मैंने, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों इतने सीरियस हो आपस में। कामरान का मतलब ये था कि एक्चुअली शानजे हमें सरप्राइज दे रही थी, तो हम सोच रहे थे कि हम किससे मिलेंगे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बाकी बातें हम कंटिन्यू करते हैं डाइनिंग टेबल पे, क्यों कामरान? नहीं जी सॉरी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, आप रहने दें। माम ने सारा इंतजाम खुद किया है, आओ तो सही। आपने खामखा तकल्लुफ किया, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा पहली दफा मिल रहे हैं, इतना तो बनता है। आप
ये क्या है, इतना तकलीफ करने की क्या जरूरत थी आपको मैम? बेटा पहली दफा हमारे घर आए हो, इतना तो बनता है। नहीं मैं पहली दफा नहीं आया हूँ, मैं तो शानी पहली दफा हो या बार बार, तुम ये सब डिजर्व करते हो, है ना मॉम? हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन आफ्टर ऑल तुम हमारी बेटी की पसंद हो। ये आपसे किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मेरे ख्याल आपको शदीद गलतफहमी हुई है, मुझे चलना चाहिए। अल्लाह शानी, शानी, शानी मेरी बात सुनो, शानी ये क्या हरकत थी? मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे आपकी किसी नवाजिश किसी इनायत की जरूरत नहीं है। हम दोस्त हैं। दोस्ती की हद ही तो पार कर रही हैं आप। हद तो मैं पार कर चुकी हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मोहब्बत नहीं है ये, हिमाकत है। और आप मेरे बारे में जानती क्या है? मैं तुम्हें जितना जानती हूँ काफी है मेरे लिए शान। क्यों पीछे पड़ गई आप मेरे? मैं आपके किसी प्रैंक किसी मजाक का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी मोहब्बत मजाक या प्रैंक लगती है तुम्हें? मोहब्बत भी नहीं है ये, किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत हो जाना। गाड़ी तो लेते जाओ। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी, और मेरा रेजिग्नेशन कल आपकी डैड की टेबल पर पड़ा होगा, ठीक है? शानी, तुम ऐसे मेरी जिंदगी से नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? तुम गाड़ी ले जाओ, हम कल बैठ के बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। जिद मत करो शानी। जिद मैं कर रहा हूँ या आप कर रही हैं? मेरी बात मान जाओ, दोस्ती के नाते से गाड़ी ले जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर देने आ जाऊंगी गाड़ी। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे घर वाले ना बहुत मासूम हैं। मेरे घर वालों के सामने आपका इमेज बहुत अच्छा है, जब आपका ये रूप देखेंगे ना तो बहुत अफसोस होगा उनको। हो सकता है उन्हें खुशी हो। हकीकत वो नहीं है जो आपको नजर आ रही है। हकीकत वो है जिससे तुम नजरें चुरा रहे हो। इस वक्त तुम गुस्से में हो, हम कल बात करेंगे, गाड़ी ले जाओ। मैं कल भी गुस्से में ही हूंगा, और प्लीज जान छोड़ दे मेरी, क्यों पीछे पड़ गई है? दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है? इश्क आशिक की दवा गम हो चाहे या सदा। ये क्या हिमाकत थी शान से, कौन है ये लड़का? डैड अब भी इस बात की वजाहत की जरूरत बाकी है क्या? ये इस जॉब से पहले कुछ करता था या? जॉब ही करता था, मगर वो उसके स्टेटस के मुताबिक नहीं थी। बहुत मायूसी हुई है मुझे। Why? उसके आने से पहले तक तो आप लोग बहुत खुश थे। हमें क्या पता था कि तुम इस तरह एक ऑर्डिनरी लड़के को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दोगी। डैड ऑर्डिनरी नहीं है वो, मोहब्बत है मेरी। अगर मुझे
जरा भी अंदाजा होता ना कि ये लड़की इसे क्यों जॉब दिलवा रही है तो मैं कभी यस नहीं करता। नाकाम लोगों की तरह पछताने मत बैठो, नौकरी देने में कोई हर्ज नहीं। अरे वो लड़का इस घर का दामाद बनने के ख्वाब देख रहा है। वो लड़का ये ख्वाब नहीं देख रहा, हमारी बेटी देख रही है। तो शान से कुछ समझाओ ना, मुझे उससे इस किस्म की बेवकूफी की हरगिज उम्मीद नहीं थी। समझाऊंगी लेकिन प्यार से, इस तरह गुस्से से नहीं। बट आई एम टेलिंग यू कैम, अगर ये वाकई उससे मोहब्बत करती है ना, हमारी कोई बात कोई दलील इसे कायल नहीं करेगी। Whatever. लेकिन इस तरह के जो लो मेंटालिटी के लड़के होते हैं ना, वो मोहब्बत को अपना हथियार बनाते हैं। शांजे को उसकी बात का यकीन कैसे आया है? अनबिलीवेबल। शांजे, गिव हिम अ चांस। पहली दफा हमारे घर आए हो, इतना तो बनता है। नहीं, मैं पहली दफा नहीं आया हूँ। मैं तो शानी, पहली दफा हो या बार बार, तुम ये सब डिजर्व करते हो, है ना माँ? हाँ, ऑफ कोर्स। आई मीन आफ्टर ऑल तुम हमारी बेटी की पसंद हो। हम दोस्त हैं। दोस्ती की हद ही तो पार कर रही हैं। हद तो मैं पार कर चुकी। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम ऐसे मेरी जिंदगी से नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? तुम गाड़ी ले जाओ, हम कल बैठ के बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे घर वालों के सामने आपका इमेज बहुत अच्छा है, जब आपका ये रूप देखेंगे ना तो बहुत अफसोस होगा। हो सकता है उन्हें खुशी हो। हकीकत वो नहीं है जो आपको नजर आ रही है, हकीकत वो है जिससे तुम नजरें चुरा रहे हो। तुम सीधे अपने कमरे में आ गए, मैं तो तुमसे पूछना चाह रही थी कि उन्होंने क्यों बुलाया था। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे मिलना चाह रहे थे। मिलना चाह रहे थे? दफ्तर में नहीं मिलते? हाँ भाई, वक्त नहीं होता होगा ना उन लोगों के पास। लेकिन तुमसे एक बात कहूँ, तुम चले जाया करो उनके कमरे में सलाम करने के बहाने। भाई ऐसे मोहब्बत वाले और ख्याल रखने वाले लोग बार बार नहीं मिलते। तुम्हारी कंपनी ने जिस फ्लैट के लिए कहा था वो कब दे रहे हैं? अम्मी खुदा का वास्ता बस कर दें, बस कर दें इतने बड़े बड़े ख्वाब देखना। ये भी खूब कहा तुमने, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे तब बड़ी बड़ी ताबीरें मिलेंगी ना। अरे नहीं पता मुझे अम्मी उस फ्लैट व्लैट का। इसीलिए तुमसे कह रही थी कि मुझे साथ ले चलो, थोड़ा राह रस्म बढ़ा कर बातों बातों में पूछ लेती मैं। वैसे जितना अच्छा आप उन लोगों को समझ रही है ना, इतने अच्छे वो लोग हैं नहीं। ऐसे नहीं कहते बेटा। और ये बताओ गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वहीं छोड़कर आ गया हूँ मैं। वहीं छोड़ दी? चलो वैसे ही अच्छा किया। मैं खुद सोच रही थी कि तुमसे कहूंगी जब तक फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो जाते तुम गाड़ी यहाँ ना लाया करो, ना तो खड़ी करने की कोई मुनासिब जगह है, और फिर ये मोहल्ले के बच्चे आते जाते हाथ लगाते हैं, खराब करते गाड़ी को, ऊपर से चोर लुटेरों का डर अलग, बहुत ख्याल रखना पड़ता है बेटा। चलो तुम आराम करो अब। मोहब्बत नहीं है ये, हिमाकत है।
और आप मेरे बारे में जानती क्या है? क्यों पीछे पड़ गई आप मेरे? मैं आपके किसी प्रैंक किसी मजाक का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी मोहब्बत मजाक या प्रैंक लगती है तुम्हें? मोहब्बत भी नहीं है ये, किसी पे जबरदस्ती मुसल्लत हो जाना। गाड़ी तो लेते जाओ। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी, और मेरा रेजिग्नेशन कल आपकी डैड की टेबल पे पड़ा होगा। जान छोड़ दे मेरी, क्यों पीछे पड़ गई है? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं था तो उसे बता देना चाहिए था तुम्हें। मैंने उससे पूछा नहीं था। What? पूछ लेना चाहिए था। मैं जानती थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब क्या करना? आप पूछ रही हैं? जो अपनी एनजीओ में लेक्चर देती है कि लड़की को शादी करने के लिए अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना चाहिए। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही, इसीलिए उस लड़के को अपने घर में बुलाया था। उसे देखते ही डैड का मूड बहुत खराब हो गया था। इस वक्त तुम्हें डैड के मूड नहीं बल्कि उस लड़के के मूड की फिक्र करनी चाहिए। ठीक हो जाएगा। Are you sure? तो फिर इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही हो? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम तो कह रही हो कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा है ना वो? बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी। लेकिन एंड में मेरी हर बात मान जाता है वो। शुक्र है तुमने अपने डैड की तरह किसी भी कीमत अपनी मर्जी चलाने टाइप पर्सन ने चूज किया। ऐसा मत कहे मॉम, डैड आपकी हर बात को बहुत वैल्यू देते हैं। सिर्फ जब उसके अपने प्लान फेल होते हैं, सिर्फ तब। उनकी डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटा था। क्या करते क्या थे वो? डैड जो इस दुनिया में नहीं, उनके बारे में जान के आप क्या करेंगे? मैं तो यूं ही पूछ रहा था बेटा। जी वो क्लर्क थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बहुत मायूसी हुई है मुझे। व्हाई? उसके आने से पहले तक तो आप लोग बहुत खुश थे। हमें क्या पता था कि तुम इस तरह एक ऑर्डिनरी लड़के को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दोगी। डैड ऑर्डिनरी नहीं है, वो मोहब्बत है मेरी। शानी, ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए और जाओगे भी कैसे? गाड़ी तो रात को वहां खड़ी कराए थे। मुझे तो लगता है आज इसने जाने ही नहीं है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी, तबीयत बिल्कुल ठीक।
तो देर से जाओगे क्या? मैं ऑफिस नहीं जा रहा आज। आज मूड नहीं होगा ना जाने का, है ना? हाँ, आज तो खावर की अम्मी और बहन भी आ रही है ना। मेरे ख्याल में तो शादी की तारीख पक्की करने आ रही हैं। मैंने उनसे बहुत कहा कि हमें अपने घर में तो शिफ्ट हो लेने दें, मगर उन्हें तो पता नहीं क्या जल्दी पड़ी। अम्मी, हम कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे। आप प्लीज उनको कहें कि उन्होंने आना है तो इधर ही आ जाए। अब तुम ऐसा करो ना, अपने ऑफिस में बात करके देखो। तुम्हें गाड़ी भी जल्दी देती थी ना, हो सकता है कि फ्लैट भी जल्दी दे दें। कोई फ्लैट नहीं मिल रहा हमें, और गाड़ी भी वापस कर दिया मैंने। तुमने फिर से झगड़ा कर लिया वहां? मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। मिल जाएगी कोई और जॉब? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी तुम्हें कोई और जॉब। अपनी माँ की कब्र पे मुजाविर बन के बैठ जाना। अरे क्यों मेरा हार्ट अटैक करा रहे हो? कैसी बातें कर रही है, अल्लाह ना करे ऐसा। मामले सुलझने लगते हैं तो दिमाग घूम जाता है तुम्हारे भाई का। समझाओ इसे, मत ख्वार करे हमें, चैन से रहने दे। सुख से जीने की जो आस लगाई है उस आस को कायम रहने दे। उस आस को तो ना तोड़े, ये रहम करे हमारे हाल पर। क्यों कर रहा है ये ऐसे? नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा? आपको लगता है मैं बेरहम हूँ, जुल्म कर रहा हूँ मैं आप लोगों पे? नहीं, मैं आप लोगों की आस तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपना आप नहीं बेच सकता। मेरी भी इज्जत नफ्स है कि नहीं है? अरे लोग तो अपनों के लिए अपनी मैं को मारकर मेहनतें करते हैं, तुम इज्जत नफ्स का ढोल पीटे जा रहे हो। ये जो लोगों के रवैये बदल गए हैं ना, अगर तुम्हें पता चल जाए कि लोगों के रवैये बदले क्यों हैं, तो ये इज्जत नफ्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तुम। और किसी का रवैया बदले या ना बदले, लेकिन आप लोगों का रवैया बदलता जरूर देख रहा हूँ मैं। मेरी खुशी की तो कोई अहमियत है ही नहीं ना आप लोगों को। कौन सी खुशी की बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे किस खुशी की बात कर रहे हो? तुम सजीला के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें वो मौका दे दिया। तुम घर में सुख चाहते हो, वो भी खुदा ने तुम्हें बख्श दिया। बहन की शादी अच्छी तरह करने चाह रहे थे, उसका घर बसाना चाह रहे थे, वो भी अल्लाह ने कर दिया। अब आखिर किस खुशी की कमी रह गई है, किस खुशी की बात कर रहे हो? तो इन सब खुशियों को आपने मेरी जॉब से मशरूत क्यों करके रखा है अम्मी? मैं बताती हूँ तुम्हें, मुझे और इस घर को तो तुम एक तरफ छोड़ दो शानी। सिर्फ सजीला को ये बताओ कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, फिर उसके बदलते तेवर देखना तुम। एक लम्हा नहीं लगाएगी तुम्हें अजनबी करने में। अजनबी तो आप लोग ही बन गए मेरे लिए। कुछ जरा सा एहसास नहीं है कि मेरी मजबूरी क्या है? बताओ अपनी मजबूरी, जरा हम भी तो सुने। बताओ ना, कल उन लोगों के घर जाने के बाद तुम्हारी राय क्यों बदल गई? वो शान से मुझे अपना दोस्त समझने लगी है। तो भाई इसमें बुराई क्या है, दोस्तियां तो हो ही जाती हैं। और जहां मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था वहां की आधी लड़कियां आज भी मेरी दोस्त हैं। बंद करो अपनी बकवास, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच मत बोला करो। शानी, वो लड़की तो मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी, वरना उन जैसे लोग हम जैसों को कहां दोस्त बनाते हैं। और वैसे भी वो तुम्हें अपना दोस्त ही बना रही है ना, कौन सा दुश्मन बना रही है? इतने नखरे क्यों कर रहे हो तुम? से नहीं बर्दाश्त होता कि मेरे सर पे कोई मुसल्लत रहे, कोफ्त होती है मुझे। हाँ तो फिर बना लो ना उसको अपना दोस्त, मुसल्लत नहीं होगी तुम्हारे सर पे। नौकरी पे ध्यान दो प्लीज, ये बात बात पे गुस्सा करना छोड़ दो, नखरे मत किया करो। मैं आप लोगों से मजीद जरा नहीं कर सकता, एक मिनट भी यहाँ रहा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। शानी ना गुस्सा आ रहा है, जाओ बेटा जाओ नाश्ता बना के दो। भाई का वास्ता इन लोगों के साथ पहली दफा पड़ा है ना, अरे उन लोगों की जिंदगी में ये दोस्तियों का मामला आम है। तुम अपनी माहिराना राय अपने पास रखो, नाश्ता बना हुआ है तुम्हारा, कर लो आके जाओ, ठंडा हो रहा है नाश्ता। हर शख्स को बोलने का शौक। मामले सुलझने लगते हैं तो दिमाग घूम जाता है तुम्हारे भाई का। समझाओ इसे,
मत हार करे हमें, चैन से रहने दे, सुख से जीने की जो आस लगाई है उस आस को कायम रहने दे, उस आस को तो ना तोड़े, ये रहम करे हमारे हाल पर, क्यों कर रहा है ये ऐसे? मैं क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे? आपको लगता है मैं बेरहम हूँ, जुल्म कर रहा हूँ मैं आप लोगों पे? नहीं, मैं आप लोगों की आस तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपना आप नहीं बेच सकता, मेरी भी इज्जत नफ्स है कि नहीं है? अरे लोग तो अपनों के लिए अपनी मैं को मारकर मेहनतें करते हैं, तुम इज्जत नफ्स का ढोल पीटे जा रहे हो। ये जो लोगों के रवैये बदल गए हैं ना, अगर तुम्हें पता चल जाए कि लोगों के रवैये बदले क्यों हैं, तो ये इज्जत नफ्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तुम। कौन सी खुशी की बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, किस खुशी की बात कर रहे हो तुम? सजीला के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें वो मौका दे दिया। तुम घर में सुख चाहते हो, वो भी खुदा ने तुम्हें बख्श दिया। बहन की शादी अच्छी तरह करने चाह रहे थे, उसका घर बसाना चाह रहे थे, वो भी अल्लाह ने कर दिया। अब आखिर किस खुशी की कमी रह गई है, किस खुशी की बात कर रहे हो? बताती हूँ तुम्हें, मुझे और इस घर को तो तुम एक तरफ छोड़ दो शानी। सिर्फ सजीला को ये बताओ कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, फिर उसके बदलते तेवर देखना, तुम एक लम्हा नहीं लगाएगी तुम्हें अजनबी करने में। लगता है मौसूफ का पहला काम है ऑफिस जाके यही है। शानी, काम पे ध्यान दो। बात करनी है मुझे तुमसे सहेला। तो करो। घर पे ही हो ना? मैंने और कहाँ जाना है, घर पर ही हूँ। मैं आ रहा हूँ। हेलो। तुमसे गाड़ी मिली है ना, मौसूफ को चैन नहीं ऑफिस में। नादिया, बेटा भाई का नाश्ता ले आओ। नहीं अम्मी, अभी नाश्ता नहीं, मुझे कहीं जाना है। नाश्ता तो करते जाओ। मैं भी सजीला से की बात करनी है। ये कहाँ जा रहा है अम्मी? पता नहीं, कह रहा है सजीला से कुछ बात करने जा रहा हूँ, कहीं उसे रिजाइन करने का तो नहीं बता देगा? सजीला को तो बहुत गुस्सा आएगा, वो इतनी खुश थी इसकी कामयाबी से। तुम जरा मुझे फोन लाके दो, मैं सजीला से बात करूं। जी। मिला देना पर। हेलो, सलाम अलैकुम। क्या हाल है सजीला? मैं ठीक। आप ये लो जरा अम्मी से बात करो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। शानी तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें कॉल की है। हाँ बता रहा था मुझे कॉल करके कि कोई बात करनी है, ऑफिस से शायद यहीं पर आएगा डायरेक्ट। ऑफिस से नहीं, वो घर से गया है, बड़ा तंग किया हुआ इस लड़के ने। क्या हुआ फूफो जान? बेटा जरा सब्र से तुम मेरी बात सुनना, और इसी तरह सब्र से उसे समझाना। वो नौकरी छोड़ने जा रहा है। क्या? उस शख्स को प्रॉब्लम क्या है? अजीब ही मंतक है उसकी, कह रहा है कि अपने बॉस की बेटी से उसे कोफ्त होती है, इसलिए नौकरी छोड़ रहा है। बेटा तुम समझाओगी ना,
तुम्हारी बात समझ लेगा। समझ से बाहर है ये शख्स, कल तक इतना खुश था और अब। खैर आप परेशान ना हो, आता है तो मैं बात करती हूँ उससे, ठीक है, समझाती हूँ मैं उससे। लाफ़ेस। बहुत गुस्से हो रही होगी ना? हाँ गुस्से तो हो रही होगी, लेकिन किसी ना किसी की बात तो सुननी पड़ेगी ना शानी को। सुनो वो सारे फ्लावर्स आ गए किचन में, मैंने रखवाए हैं, उनको तुम अच्छी तरह से धोकर और उनको अरेंज कर लो, ठीक है, अभी जल्दी से कर लो। हेलो, लड़के ने रिजाइन दे दिया। कौन सा लड़का? जो कल घर आया था। और कौन सा? ओ मुझे तो लगा था कि उन्होंने अपनी डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लिए होंगे। तुम शांति को बता देना कि मैं उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फॉर गॉड से कैम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं शांजे से बात करती हूँ ना, देखते हैं कि वो क्या कहती है। इसलिए मैं गए थे ऑफिस। ऑफिस से नहीं, घर से आ रहा। घर में रहोगे तो घर के ही होके रह जाओगे, वैसे ना जाने की वजह? मामी कहाँ? आराम कर रही हैं। नहीं बताया मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें? मैं जॉब नहीं कर सकता सहेला। वजह? वजह यह है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। शानी जॉब कर रहे हो तो बॉसेस की सुननी पड़ती है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर इशू बनाने लगे तो तुम कहीं भी जॉब नहीं कर सकोगे। तो नहीं करनी मुझे जॉब, वो लड़की मेरे असाब पे सवार हो गई है। जितना मैं उससे इरिटेट होता हूँ उतनी मेरे लिए दर्द सर बन गई है वो। कौन लड़की? शानजे, मेरे बॉस की बेटी, और खुदा की कसम मैंने उसको ठीक से आज तक देखा तक नहीं है। और उसने अपना दोस्त समझने लगी है मुझे, वो स्टूपिड। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उसको एक सुनसान सी जगह पे लेके जाओ और गोली मार दो, वो भी नहीं बचेगी और तुम भी इरिटेट नहीं होगे। तुम्हें मजाक सोच रहा है ऐसा? ये मेरी शक्ल से लग रहा है कहीं से भी कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैं तुम्हें आसान हल बता रही हूँ, देखो वो भी नहीं बचेगी और तुम चाहोगे तो तुम्हारी जॉब बच जाएगी। नहीं 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 नहीं, या मैं गलती कर रही हूँ, जिसके अंदर जॉब करने की हिम्मत नहीं है उसमें जॉब बचाने की कहाँ से हिम्मत होगी। सजीला मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ। तो मैं भी सीरियस ही हूँ शानी, एक लड़की की खातिर जॉब छोड़े, पागल हो क्या? इसका मतलब है कि आप ही बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जिस दिन मेरी जॉब छूटी तुम मेरे लिए अनजान बन जाओगे। सब बन जाता है अनजान शायान अहमद। चलो ठीक है, तुम मुझे खुद बताओ, मेरी तरफ आते हुए बगैर गाड़ी के तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही थी? नहीं मुझे तकलीफ नहीं हो रही थी, इसलिए कि मेरे अंदर ये छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ हो रही थी। ये जॉब मिली है और मिल जाएगी, और वहां जाकर भी अगर किसी बॉस की बेटी ने तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की तो क्या वो जॉब भी छोड़ कर आ जाओगे? क्यों हो इतने हाई पर? एक लड़की की खातिर जॉब छोड़ दी? बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है सजीला,
उसने अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके फादर तुम्हारे बॉस ही लगते थे क्या? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कल वो मेरा हाथ थाम लेगी, तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। इतनी देर नहीं लगाऊंगी मैं, तुम्हें आज ही कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हें अपने अपने घर वालों के या मेरे सुख की परवाह नहीं है ना, तो शायान अहमद मैं आज ही कह देती हूँ कि मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। मत करो मेरे साथ, ना करो। कर यही रिक्वेस्ट मैं तुमसे करूं तो? जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। अपना रेजिग्नेशन वापस लो, फिर मुझसे बात करना। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ।